गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आपका रीडर का आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6, नेम ऑफ द चैप्टर इज 17 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, इन्होंने पहले आपसे पूछा विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, क्यों अच्छा लगता है आपको फ्रूट, सॉरी कौन सा फ्रूट आपको अच्छा लगता है और वाई क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि अपने अपने रीजन्स है ना, सबके अलग अलग चॉइसेस है, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को बनाना, किसी को मैंगो, और सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। ठीक है, तो स्टोरी है बेटा एक लड़के की, और उसमें क्या है 17 ऑरेंजेस के बारे में बताया। देखें पढ़ें क्या है। यस, स्टार्ट करते हैं। आई यूज टू बी सो फॉन्ड ऑफ ऑरेंजेस दैट आई कुड सक, मुझे जो ऑरेंजेस है ना बहुत पसंद थे, फॉन्ड ऑफ, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था ऑरेंजेस खाने का। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, द होल डे सारा दिन, लॉन्ग अंटिल दैट टाइम व्हेन द पुलिसमैन गेव मी अ स्केयर एट द डॉग गेट। ठीक है, मैं सारा दिन जो है ऑरेंजेस खाता था, जब तक कि व्हेन द पुलिसमैन गेव मी अ स्केयर, जब तक एक पुलिसमैन ने मुझे धमकी नहीं दी एट द डॉग गेट। डॉग गेट क्या होता है बेटा, जो आप बंदरगाह होते हैं ना जहाँ पे जहाज में से सामान वगैरह उतारते हैं, वो होता है डॉग गेट। ठीक है, When he caught me almost red-handed with the 17 hidden away in various pockets and locked me up, मैं जब तक मुझे oranges बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, जब तक मुझे policeman ने धमकी ना दी और या मुझे रंगे हाथ पकड़ा कि मेरे पास जो मैंने 17 oranges छिपाए थे ना अपनी अलग अलग pockets में ना, तो मुझे एक policeman ने red handed यानी कि रंगे हाथों पकड़ लिया था, मेरे पास उस time पे 17 oranges थे और मुझे लॉक मी अप और मुझे जेल में बंद कर दिया था, तब तक मुझे ऑरेंजेस क्या थे, बहुत पसंद थे। एवर सिंस आई हैव नेवर लुक्ड एट एन ऑरेंजेस बिकॉज दैट डे आई हैड माय फिल ऑफ देम। ठीक है, उस दिन तक मुझे जो ऑरेंजेस बहुत पसंद थे, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी उनकी तरफ नेवर लुक्ड एट, और उनकी तरफ मैंने कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा। I was driving a little pony and cart for the Swift Delivery Company in those days. ठीक है, उस टाइम पे मैं क्या करता था कि एक पोनी एंड कार्ट यानी कि एक खचड़ा गाड़ी आप बोल सकते हैं ना, बैलगाड़ी। ठीक है, एक मैं बैलगाड़ी चलाता था फॉर द स्विफ्ट डिलीवरी कंपनी, कंपनी का क्या नाम था, स्विफ्ट डिलीवरी कंपनी की मैं गाड़ी चलाता था उस टाइम पे। एंड लॉट्स ऑफ माई पिक अप वर एट द डॉग, और जो मैं जितना भी मेरा सामान था उसमें से अधिकतर मुझे वही डॉग गेट पे मुझे लाना ले जाना पड़ता था। नाउ आई वॉज नॉट वट यू कॉल अ थीफ, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं एक चोर हूँ कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ऑरेंजेस के साथ, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं चोर हूँ। एंड आई डिड नॉट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ नॉकिंग थिंग, और मुझे ये प्रैक्टिस भी नहीं थी, मतलब मुझे कुछ ऐसा आता भी नहीं था, है ना, कि मैं रोज़ रोज़ यही काम करता हूँ, है ना। चोर तो क्या डेली उसको प्रैक्टिस होती है चोरी करने की, कैसे करती है, तो उसको कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी, है जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग्स टू मी, कि जो चीज़ें मेरे पास ना हो ये नहीं कि मैं उनको उठा लूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। लाइक सम पीपल, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, बट स्टिल लेकिन फिर भी, आई वॉज वेरी रेयरली दैट आई केम अवे फ्रॉम द डॉग्स विदाउट पिकिंग अप समथिंग, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि जब भी मैं डॉग गेट पर जाता था कि खाली हाथ आ जाता, कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर लेके आता था। आई कुड च्यू ड्यूरिंग द डे, और मैं सारा दिन खाता रहता था, चबाता रहता था जो भी चीज़ मैं लेके आता था डॉग से उठा के। सपोज़ जैसा कि बोला है कि सपोज़ करो, मानो देवर अनलोडिंग अ बनाना बोट, कि एक बोट में वो सॉरी अनलोड कर रहे हैं, बनाना उतार रहे हैं। ठीक है, वेल आई यूज़ टू ड्रा माई लिटिल कार्ट अलॉन्ग साइड, मैं उसके पास अपनी जो बैलगाड़ी है उसकी साथ साथ ही चलाता। देर वर ऑफन लूज बंचेज दैट दे हैड ड्रॉप ऑफ द मेन स्टॉक, जो उनका मेन स्टॉक होता है ना, जो पत्ते वगैरह होते हैं जहाँ में इसमें वो बंधे होते हैं, कुछ पेटी वगैरह उसमें बंधे होते हैं, तो उसमें से कुछ लूज बंचेज होते हैं जो कि नीचे गिर जाते हैं, ड्रॉप ड्रॉप गिर जाते हैं। एंड वेन द चांस केम, और जब भी मुझे मौका मिलता, आई वुड इधर ग्रैब ऑफ यू, और मैं फटाफट उसमें से कुछ उठा लिया करता। और सम फ्रेंडली फूड, और जो मुझे पसंद था वुड स्टोव देम टूवर्ड्स मी, ठीक है, और मेरी तरफ शोव करते, मीन्स मुझे मेरी तरफ फेंक देता। देन आई यूज टू डक देम आउट ऑफ साइट अंडर माई ब्रेड,
और मैं डक का मतलब डक दैम, पानी वाले नहीं बेटा, डक दैम मीन्स झुक के उठा लेता था, ठीक है, अंडर माई ब्रेड। और मैं उसको कहाँ पे छुपा लेता, ब्रेड, ब्रेड उसका एक कपड़ा है पहनने वाला, ठीक है। द ब्रेड वॉज इन एप्रन, जो ब्रेड है वो एक एप्रन है। एप्रन आप सब लोगों ने देखा होगा ना कि जब मम्मा किचन में खाना बनाती है या फिर आपने कोई कॉम्पिटिशन किया होगा स्कूल में तो वो पहनते ना खाना बनाने से पहले एक वाइट कलर का एप्रन, वो उस टाइप से उसका कुछ था, एक एप्रन ही बनाया था उसने। फ्रॉम अ शुगर बैग, एक शुगर बैग, शुगर बैग आप कह सकते हैं जो जिसमें चीनी होती है ना वो। सपोज टू बी अ गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन एंड रफ वाटर, वैसे तो सब लोग उसको बारिश में से बचने के लिए या जो ख़राब मौसम उससे बचने के लिए पहनते हैं, बट माइंड वॉज यूज मोस्टली फॉर कंसीलमेंट। लेकिन जो मेरा एप्रन था ना, जो मेरा ब्रेड था, वो मुझे छुपा लेता था, है ना, मैं उसको चोरी के लिए आप कह सकते हैं कि यूज़ करता था। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ दे सारा दिन आई बी मंचिंग अवे एट बनानास, ठीक है, और मैं सारा दिन उन बनानास को मंचिंग करते रहता, चबाता रहता। इवन दो, हालांकि आई डिड नॉट हैव अ पैशन फॉर देम लाइक आई हैड फॉर ऑरेंज, लेकिन मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे जितने मुझे ऑरेंजेस पसंद थे, है ना, मुझे ऑरेंजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। आई गॉट कॉट, मैं पकड़ा गया, बिकॉज द स्ट्रिंग ऑफ माई ब्रेड ब्रॉक, जो मेरी ब्रेड की जो स्ट्रिंग थी ना, जो धागा था, जो तार था, वो क्या हो गया, टूट गया। इसलिए पकड़ा गया था ना वो, क्यों पकड़ा गया था, क्योंकि उसका जो था ना ब्रेड का स्ट्रिंग, ये जो धागा था वो टूट गया था। एंड पोंगो, पोंगो नेम ऑफ अ पर्सन, कोई पर्सन है इसमें, देखते हैं कौन है। आफ्टर एग्जामिन माई लोड्स, एक पोंगो है, उसने मेरी जो लोड्स है उसको सारे को एग्जामिन किया, देखा, अच्छे से जांचा परखा। नोटिस्ड माई सम व्हाट बल्जिंग पॉकेट्स, और जो मेरी भारी भरकम जो पॉकेट जो है ना, जो लटक रही थी, बिल्कुल फटने वाली हो थी, है ना, उनको की तरफ देखा। ही मेड मी ड्रा द पोनी एंड कार टू वन साइड, उसने मेरे को क्या बोला, भाई अपनी गाड़ी साइड में लगा ले, है ना, क्या बोला कि साइड में लगा दे बस। एंड देन ही टुक मी इन हिज कैबिन, और वो मुझे कहाँ पे लेके गया, अपने कैबिन में, अपने रूम में लेके गया। ही एंड वेंट थ्रू माई पॉकेट्स, एंड उसने मेरी पॉकेट्स को ध्यान से देखा। देर वर 17 ऑरेंजेस इन ऑल, और मेरी पॉकेट्स में कितने ऑरेंजेस भरे थे, 17 ऑरेंजेस भरे थे। एंड ही प्लेस्ड देम केयरफुली ऑन द टेबल, और उसने उन सारे जो ऑरेंजेस है उसको मेरे को बोला बस अब इनको रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो उसने सारे के सारे ऑरेंजेस अपनी टेबल पे रखवा लिए। एंड एग्जाम्पल हैज़ टू बी मेड, ही सेड, देखो एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, ठीक है, एक उदाहरण बन गया है, ऑफ समबडी और ईदर और अदर। एंड आई गेस यू वर द अनलक्की वन, और तुम क्या हो, एक अनलक्की वन। अनलक्की वन क्यों, क्योंकि तुम तो पकड़े गए, है ना। नाउ माई लैड, माई लैड मतलब मेरे बच्चे या लड़के, वट हैव यू टू से फॉर योर सेल्फ, अब बताओ अपनी सफाई में क्या कहोगे, ठीक है। आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। आई वॉज डेड फ्राइटन, मैं बिल्कुल ही डर गया था, डेड फ्राइटन बहुत ज़्यादा डर गया था। बट आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू कीप माई माउथ शट, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया, मीन्स मैंने आपको मनाया कि मैं अपने मुंह को बंद ही रखूँ, बिल्कुल चुप रहूँ, कुछ भी ना बोलूँ, ठीक है। आई हैड रीड टू मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज टू मेक द मिस्टेक ऑफ प्लैबिंग, मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी थी डिटेक्टिव की, जो मिस गलतियाँ करते हैं चोरी करते टाइम, ठीक है। एनीथिंग यू से मे बी यूज इन एविडेंस अगेंस्ट यू, अब वो क्या कहता है, जो ऑफिसर है, जो पोंगो है, पुलिस ऑफिसर, वो क्या कहता है, कुछ कहना है आपको, आपके जो कुछ सबूत देने हैं, मे बी यूज इन एविडेंस अगेंस्ट यू, आपको अगर कुछ कहना है तो कहो, और मे बी यूज इन एविडेंस, और जो आपके ऑरेंज से है, क्या आपके खिलाफ कोई सबूत भी मिल जाए, है ना। तो आई कीप दैट फेम इन माई माइंड, मैंने अपने माइंड में बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान में रख लिया। एंड रिफ्यूज टू बी इंटेरोगेटेड, और मैंने कुछ भी कहने से या फिर अपनी जाँच व करने से मना किया। पोंगो हु डिड नॉट केयर फॉर माई एटीट्यूड सेड ऑल राइट आई गो ऑफ एंड ब्रिंग अ कलीग एज अ विटनेस, वो पोंगो कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ नहीं कहना मत कहो, मैं तो बाहर जाके तेरे खिलाफ विटनेस लेके आ रहा हूँ, मीन्स गवाह ढूंढ के ला रहा हूँ कि तूने चोरी की है, तूने किसी की ये उठाए हैं।
एंड विद दैट ही वेंट केयरफुली एंड विद दैट ही वेंट और जब वो गया केयरफुली लॉकिंग द डोर बिहाइंड हिम और उसने जो डोर है उसको अच्छे से बंद कर दिया अपने पीछे. आई फेल्ट आवफुल, मुझे बहुत ही डरावना लगा, मैं बहुत ही डर गया. इट वॉज द सस्पेंस, ठीक है, ये सिर्फ एक संदेह ही तो था. आई लुक्ड एट द वॉल्स, मैंने दीवारों को देखा. लुक्ड एट द डोर एंड लुक्ड एट द 17 ऑरेंज, मैंने दीवारों को देखा, दरवाजे को देखा और उन 17 ऑरेंजेस को भी देखा. एंड आई लुक्ड एट द माई ब्रैट विद द ब्रोकन स्ट्रिंग, और जो वो मेरा एप्रन था मैंने उसकी तरफ भी देखा जिसकी धागा टूट गया था. आई थॉट ऑफ हाउ आई वुड गेट सोक्ड एंड सेंटेंस, कि अब मुझे सज़ा मिलेगी. एंड ऑफ वट माई मदर वुड से, और जो मेरी मम्मी क्या कहा करती और मेरे पापा क्या किया करते, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है. देर वॉज नो एस्केप, अब मैं भाग भी नहीं सकता. आई वॉज देयर एंड द एविडेंस वॉज देयर बिफोर मी ऑन द टेबल, अब मैं वहीं पे था और जो मेरे खिलाफ सबूत थे वो भी मेरे सामने टेबल पे रखे थे. क्या था सबूत? 17 ऑरेंज, है ना. एंड पोंगो हैड गोन फॉर हिज मेट टू बी अ विटनेस, और मेट क्या होता है बेटा? जो उसके साथ काम करता है कलीग, है ना. और पोंगो गया हुआ है किसी एक मेट को, यानी कि पकड़ने के लिए, जो गवाह बने, जो ये गवाही दे, जो ये बताए कि हाँ इसने चोरी की है 17 ऑरेंजेस की, वहाँ से इसने उठाए हैं. आई वॉज रूइंड फॉर लाइफ, और जो मेरी लाइफ है बिल्कुल ही रूइन होगी, बिल्कुल ही ख़त्म होगी, सत्यानाश हो गया मेरी जो लाइफ का, है ना, वो सोच रहा ना. तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, हाफ ऑफ चैप्टर करके हम इसको करेंगे, ठीक है. मंडे को हम इसका जो हाफ पार्ट है उसको कम्प्लीट करेंगे, ठीक है. तो ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है, फोर्थ क्लास. थैंक यू.